करो, आ रहा है, वीडियो ऑन कीजिए। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे क्या सर, इसको आगे हम लोग यूज करेंगे। जैसे 6 होल बाबू, 5 बटा कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ, तो इसको कह रहा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने। शांति से सुनना, अभी लिखना नहीं है, कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, पहले शांति से सुनेगा, उसके बाद जब बोलेंगे लिखने के लिए तो लिखेगा, है ना, चूंकि सब बच्चा इसमें गलती कर देता है बनाने में, मन से पढ़ना पड़े। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको बोले थे बाबू क्या करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्वेश्चन हो गया। इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे 6 होल 5 बाई 7 है, ठीक सर, एकदम बच्चा की तरह करेंगे। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 6 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाला जो नंबर है उसको जोड़ देना, और डिवाइडेड में नीचे 7 है ना, तो 7 लिख देना, बस। इसी में सक्षम बहुत सारा बच्चा गलत किया बाबू, करने क्या कर देता नहीं कर देता। नेक्स्ट, सर आज मेरे बाबू, पापा कल ही ये पढ़ाए थे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू, अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सर, सोल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 7 मैंने 6 7 जा टेबल पढ़ेंगे तो बचपन में सिखाएं, 6 7 जा कितना, 42, 42 अलामत करो, अब +5 डिवाइडेड बाई 7, 42 + 5 ऐड करोगे, 42, 43, 47 44, 45, 46, 47, 47 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डन जिसको सर नहीं हो समझ गया में, सर हो गया अच्छा ठीक है, जिसको डन। नहीं समझ में अगला क्वेश्चन सुनो, हल्ला मत करो जी, नहीं समझ में आया, अरे गया, वीडियो ऑन कीजिए, अगला क्वेश्चन सुनो। वैभव बाबू मयंक से था, ठीक, नेक्स्ट मयंक बाबू, जैसे 8 होल मयंक, 3 बटा मान लो बाबू कितना दे ले, 11 दे ले, इसको कह रहा किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ये है ना फ्रैक्शन में, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम लोग यूज करेंगे जब एडिशन बताएंगे ना आपको मिक्स फ्रैक्शन का, तो वहां पे यूज करेंगे, तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आएगा तब ना। कैसे मल्टीप्लाई करना है, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 11 मल्टीप्लाई 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक बार क्वेश्चन लिख देते बाबू, मन से पढ़ना जी, प्रशांत निशांत, ये दोनों नीचे वाला जो नंबर है दोनों मल्टीप्लाई करो, तो 11 मल्टीप्लाई 8, ऊपर वाला 3 है उसको जोड़ दो, ऊपर वाला को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और नीचे वाला को क्या कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 को क्या करें, ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 11, नीचे में 11 है तो नीचे में वही नंबर लिखना, ठीक। नेक्स्ट सुनो कहानी, 11 8 जा कितना, 88 होता है, +3 डिवाइडेड बाई 11, इसको ऐड करो, 88 + 3 91, सर 88 91 11 अलग मत करो, 89 90 91, 91 डिवाइडेड बाई 11, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो, वन सर हंड्रेड अच्छा 152 नंबर, अगला सुनिए, इसको हम लोग यूज करेंगे जब एडिशन, आपको एसन का वाला एडिशन पढ़ना है, 152 क्या 152 वापस कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, इसको जब पढ़ाएंगे ना एसन का जोड़े वाला, कैसन का 6 होल 3 बाई 4 है ना, ठीक है ना, 6 होल 3 बाई 4 क्या हुआ सरनिया, अब +5 क्या हो रहा है, कौन से कर रही हो, वो पुरनका वाला कहाँ कर रही हो जी, आज जो लिंक भेजे उस पे ना कीजिए, भोली नहीं कैसे होगा जी, पापा वाला मॉल से कीजिए, नहीं तो पापा जी हैं जी, देखिए लिंक भेजे बाबू, कीजिए इस पे, अगर इस टाइप का एडिशन पढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको यूज करेंगे लोग शैतान, समझा, क्या लिख रहा है लोग, पहले शांति सुनो जी, है ना, इसको बता इस रहे टाइप का थे सर एडिशन में बनाते जा रहा हूँ सर, नहीं बताना, बनाना इसको ऐसे ऐड करना, तो पहले इसको तोड़े ला आ आएगा रहा तब है ना, तो इसी को तोड़े ले के लिए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तोड़ने के लिए, क्या बता रहे हैं, तोड़ने के लिए, है ना, तोड़ने के लिए बता रहे हैं, ठीक, देखो कैसे तोड़ोगे, है ना भोला, जैसे बाबू क्या बाबू, 7 होल बाबू, 5 बाई कितना है, 8 है, अब इसको तो कह रहा है तोड़ के, है ना, कई नंबर में लिखो, 2 नंबर में लिखो, कैसे लिखो, 2 नंबर में, है ना, कैसे करना, देखो कैसे करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 7 मल्टीप्लाई 8, ऊपर में जो नंबर है उसको जोड़, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर में जो नंबर, ऊपर में क्या 5 है, 5 जोड़ देना,
डिवाइडेड एगो बड़का लाइन खींचना, बड़का लाइन के नीचे नीचे एट है ना, तो क्या लिखना, एट लिखना। अभी तो कर सकते हो, 7 8 जा कितना होता है, 56, 7 8 जा 56, हाँ सर 56 हो गया, प्लस 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 8 हो गया। हाँ श्रेया शैतान गलती की है, बोलो सब मुरी छोड़ी एक बराबर कर दी है, शैतान श्रेया मैंने तो नेट 40 में 40 आया था। नहीं सर, होमवर्क बाबू कोई गलत किए बाबू, है ना, सुर में सुर सब मिला के गलत कर दी। सर अब मेरा भी फिफ्टी 40 में सिक्स 40 प्लस 5 कितना होगा, 61, नहीं ऐड होगा तो इधर ऐड कर लेना, 56 प्लस 5 11, 5 x 6 कितना हो जाएगा, 61 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जिसको नहीं समझ में आया लिखो इतना, फिर आगे बताते हैं। अब ना वीडियो डन ऑन करो जी। सर, अच्छा डन ठीक है, हल्ला सर, मत डन कीजिए, ठीक सर, है हल्ला मत कीजिए, सर संभाल बात कर कर चलो। लीजिए, हम भी अच्छा ठीक है, लिखेंगे ठीक है बाबू, क्लास के बाद है ना बात करेंगे। सर, हम भी लिखे हैं हाँ आपको भी सर, लिखना मेरा है, नाम रख दीजिएगा, मेरी नाल बोलिएगा, वैभव नहीं, मेरे को शांत को नहीं आता है अरे सर, ठीक मुझे भी है, आता है, मुझे तो उसके सारे क्वेश्चन सही थे अच्छा ठीक है, कोई सर, एक दूसरा बच्चा हमको नहीं होगा। आता, झूठ बोल रहा है, उतारो अच्छा ठीक है, शांति से पढ़े ना, आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। अभी आप पहले ना पहले पूरा लिखिए ना जी, पहले उतारिए जल्दी जल्दी, फिर धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, पहले उतारे ले तो सीखिए। ई टी नाटक बहुत क्या करो बाबू, सर, प्रशांत निशांत डांस ये सब कुटाएगा शैतान, सर तो जल्दी परेशान लिखे तो नहीं प्रशांत निशांत। तो यस परेशान, सर, मेरा लीड निकल गया, पूरा हाथ में लग गया यही करते सर, रहना, मेरा जल्दी लीड लिखे बाबू। गया, ठीक है जल्दी लिखते सर, सर कस नहीं आया अभी तक, डन सर, अपना देखो ना जी, हेलो अर्नब वीडियो ऑन करो बाबू, ए आ रहा बाबू, वीडियो ऑन कीजिए। सर, नहीं दिख रहा है सर, मैं दिखा रहा हूँ, बाद खिला रहा है में सर, लिखेगा, अभी सुने सा, अच्छा ठीक है निशांत, अभी बाद में लिखेगा सदा, इसको दिखता कि तो नहीं है, सब बच्चा को दिखता, आपको दिख भी नहीं करता। दिखने लगा ये सर, बहुत पिटेंगे आलोक, यही करेगा बेदी का लोक, ढूंढ लेंगे पकड़ के दूर वही पे कर जी, रहा है सर, वही कर समझे, रहा है सर, उसको बोलिए सर, उसको बोलिए बेदी सर, वीडियो ऑन करो जी, डन वेरी सर, गुड डन बाबू सुन, वेरी गुड सुन, सर, तो यार ना वीडियो ऑन करो जी, यार ना बाबू। मैंने रिनेम कर लिया सर, हम तो पहले से डन ही रिनेम कर चुके हैं, स्क्रिप्ट शेयर कीजिए जल्दी लिखे मैंक बाबू, अरग्या कैमरा डाउन कीजिए, जल्दी लिखो नीरज अंकुश, चलो सर, ठीक है। देखो वो आगे डन समझो, सर, वेरी गुड, जल्दी लिखो जी, निशान सर निशांत प्रशांत जल्दी लिखो, टाइम नहीं बाबू, जल्दी लिखे। अरे स्क्रीन शेयर कीजिए, डन सर, आपका कैसे नहीं स्क्रीन शेयर सर बाबू, बोलता है, ठीक जल्दी लिखिए। है सर, सर छोटा कीजिए, बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो, एयर ना वीडियो ऑन करो जी, सर, हम रदिया बोलिए ऑन करो, बोलिए रदिया, चलो नेक्स्ट बाबू, जो लिखे अच्छी बात है, गप मत कीजिए दुर्गा। नीचे जल्दी लिखो जी, कीजिए ना सर, नीचे हाँ क्या है नीचे कर दी, सर, आज अकॉर्ड्स नहीं आया, ऊपर कीजिए अरे सर, बाबू उसका अभी शादी से आया इसीलिए बाबू थक गया, सर आकर्ष हो गया शादी से सुर भी। नहीं, अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे पहले ध्यान दीजिए, चलो ठीक है बाबू, सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, जल्दी लिखो, दिखा दीजिए जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। सर,
नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा, फिर से बता रहे हैं। सब चलो दिए डांसर। अच्छी बात है, म्यूट करो। निशांत प्रशांत बाबू, अच्छा अथर भी किया है तो हल्ला मत मेरे कीजिए। बैकग्राउंड से जब आवाज ही नहीं आ रहा है तो अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। सर मैं फिर रिनेम कर लिया। इसमें से दो तीन बच्चा को भगा देंगे बाबू, ज्यादा हल्ला करोगे। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। हमने जो बोला है उसको शांति से एक एक बात सुनना। 152 नंबर, देखो 154 क्या कर। सर हाँ, 154 153 नंबर। अच्छा का 152 कहाँ से आ गया? ठीक है जी, हल्ला खाली करता। देखो फिर से सुनो जी, नीरज अंकुश बाबू प्रशांत निषाद, शांति से सुनना है। जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे खाली सुनोगे हो जाएगा। इसको हम लोग यूज करेंगे एडिशन में। ऐसा होता नहीं बहू कि मेरे यहाँ बच्चा समझता नहीं है। 154 नंबर। जैसे बाबू कितना रहे, मान लो बाबू 11 होल बोला, 11 बाई बाबू है ना, या 11 होल है ना बाबू, 7 बाई मान लो 9 है, 7/9 है। म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट रहता है, म्यूट कर लो। अब इसको शांति से सुना वैष्णवी आराध्या। ठीक, देखो कैसे करोगे है ना। सर मैं नेक्स्ट खुद से बाबू, बनाने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक, हल्ला मत करो। कैसे करना है सर, क्या क्वेश्चन दिया? 11 होल 7/9 दिया हुआ, तो पहले नीचे वाला यहाँ ये दोनों नंबर को गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 9 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना, 9 मल्टीप्लाई 11, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, ऊपर में जो नंबर उसको जोड़ दो +7, और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, नीचे में 9 है, डिवाइडेड बाई 9 कर दो। बस यही करना और कुछ नहीं करना। अब इसके बाद सारे बच्चों को मल्टीप्लाई करना आईवे करता। सर अच्छा आंसर है 106/9। सर ठीक है, हल्ला मत कीजिए। एकदम इलेवन सही, नाइन जा 106/9। कितना, 11 9 जा 99 होगा, +7 डिवाइडेड बाई 9। नाइन्टी नाइन प्लस 99 प्लस 7 कितना होता है, 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा बट्टा 9। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो। 155 नंबर, जैसे मान लो 15 होल बाबू, आ बाबू कितना रहेगा, 9/11 रहेगा। इसको कह रहा बाबू सोल्व करने के लिए। यार ना वीडियो ऑन करो जी, कैसे करोगे, मन से पढ़ना बाबू। वैष्णवी आराध्या अंकुश नीरज सर अभ्य सर यह है ना। देखो मैम, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 11, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में जो नंबर है जोड़ दो, डिवाइडेड बाई नीचे में 11 है, 11 लिख दो। अब ये मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, 15 मल्टीप्लाई 11 करेंगे। 15 मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो इधर मल्टीप्लाई करना, 15 मल्टीप्लाई 11 नहीं आएगा तो साइड में मल्टीप्लाई कर लेना, कि 5 हो गया 1 हो गया, 5 हो गया 1 हो गया, ये 5 हो गया 6 हो गया, 1 हो गया। 15 मल्टीप्लाई 11 साइड में मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई तो सारे बच्चे को आता ही है, तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। अब +9 डिवाइडेड बाई 11, 165 + 9 कितना, नहीं आएगा तो ऐड कर लेना साइड में लिख के, 165 + 9, 9 + 4 = 14। 174/11। यस अच्छा ठीक है, ऐड सर, करोगे तो कितना हो जाएगा, यस सर। 174/11 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया परी बाबू आगे समझिए है ना। सर आपको परी डन। कुछ दिन के बाद से परी बाबू आपको 7 बजे बुलाएंगे है ना, इसमें भी आएंगे उसमें भी बुलाएंगे। तो हम भी आएंगे नेक्स्ट कब? 20 सर हम होल भी बाबू, आएंगे। हल्ला मत करो आप लोग, हल्ला कर। तो मैं भी आऊंगी। नेक्स्ट, आज जी नेक्स्ट जी बाबू, 20 होल 6/12 शरण्या, ये शरण्या शैतान होमवर्क गलत की थी। कैसे करेंगे, सर। नहीं अभी नहीं लिखना, 20 मल्टी इसको इसको मल्टीप्लाई कर देना, 20 मल्टीप्लाई 12, न्यूमरेटर में 6 है +6 कर दो, सर 12 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 12 ट्वेल्व होगा।
अच्छा ठीक है, किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे यहाँ 2012 करो चाहे 12, जो इच्छा है वही करो। मान लो 2012 लिखोगे तो 12 लिखो, 12 × 20। अब सकता है क्या? 12, राशि अच्छा लिख ठीक है, सकता है? हल्ला मत। सिक्स प्लस मेरा आंसर है 12 टू यानी ट्वेंटी 26, 22, हाँ 12। अच्छा ठीक, 12 × 20 नहीं मल्टीप्लाई करने आता तो साइड में कर लेना, 12 लिख लेना, 20 लिख लेना, मल्टीप्लाई कर, 0 ये 0, ये 4 ये 2, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 240। किसका म्यूट है जी, म्यूट कर जी। प्लस कितना 6, डिवाइडेड बाई कितना बाबू 12। अब 246 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 246 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। लिखिए मैं करने लिखिए। लगा अच्छा ना, कुछ नहीं है तो ठीक है, हल्ला मत कर, इसीलिए हल्ला मत कर, लिखोगे? सर हाँ लिखो लिखो लिखे लिखो लिखो, ठीक है सर। हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। सर मैंने कब का खत्म कर लिया? सारे बच्चे को लिखने दीजिए। तरन्या वीडियो ऑन करो बाबू। डांसर अब गप नहीं करना, परी खाली परी गप करते रहती है जी। अब परी कहाँ गप करने में लगी, बोली गप नहीं ना करना बाबू, 1 घंटा शांति से बैठने, तो 2 घंटा क्लास आपको अटेंड करवा देंगे, सुबह भी 5 बजे, 3 घंटा बाबू। ज्यादा शैतानी करोगे ज्यादा क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। जल्दी लिखिए। अब हम लोग एडिशन सीखेंगे। हाँ सर, नींद आ रहा था तो फेस वॉश करने गए थे। नहीं अच्छी बात है, तो फेस वॉश करने में गप होता है, बोली। हाँ सर, बात नहीं कर रहे थे। बोल, चलो जल्दी लिखो, बोली। तरन्या ये सरन्या नए गप करना, बोली। अभी दुकाने पे भाई, भाव सर दुकान पे ही अभी है जी। अच्छा सर क्लास के रुक गए कस्टमर है बाबू, सर। तो फिर 9 बज जाएगा ना जी। अरे यस सर, फिर क्या करेंगे? शैतान, समझ में आया भाई भाव? तो मम्मी को 10 मिनट पहले बंद करने कहो। नहीं कुछ है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नहीं कुछ है बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नंबर दिया था, मैं सिर्फ उससे पूछ लिया कि मैं सर को तुम्हारा नंबर दे दूंगा, तो बोला हाँ दे देने के लिए। आप बोले अच्छा मना किए थे ना, इसलिए हम नहीं कुछ बोले। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर हाँ बोलो उसका बोलो बोलो नाम अंश सच। हम सर। मैं सैटरडे को आया नहीं था, तो आपने बोला था कि मैं संडे को टेस्ट लिख के भेज दूं, सैटरडे तो मैंने वो लिख के भेज, लेकिन आपने चेक नहीं किया। को मुझसे दो दो बार टेस्ट ले लिए अच्छी बात है, अच्छा ठीक है, देखेंगे बहुत सच। सर। शरण्या को देखे देखे कुछ लिख नहीं रही है। ऐसा रहने बहुत पिटेंगे जी। चलो तो ठीक है, अब देखो वो इसका यूज कहाँ करेंगे। एयर थर्ड वीडियो ऑन करो, आगे वो ऑन कीजिए जी। रुकिए जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, देखो नहीं इसका यूज कहाँ करेंगे। ऐसा वाला ये मिक्स फ्रैक्शन तोड़े लगे आना चाहिए। देखो बाबू कैसे यूज करेंगे। हेडिंग क्या देंगे, एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ये तोड़ने के लिए आ गया ना, तो अब इसको हम लोग ऐड करेला सीखेंगे। कैसे छोड़ सर, ऐसे। वेरी डांसर गुड, 157 नंबर। इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, है ना। सर
हल्ला नहीं जी, एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। निशांत अपना म्यूट रखना बाबू, आवाज को म्यूट, नहीं तो आप लोग बैकग्राउंड से साउंड आते रहता है। निशांत प्रशांत, म्यूट है मेरा। हाँ ठीक है प्रशांत, नेक्स्ट बाबू। देखो अब अभी आपको हम पढ़ा रहे थे जो मिक्स फ्रैक्शन था, क्या था? मिक्स फ्रैक्शन था, है ना? इसी को आपको क्या करना, ऐड करना। शांति से सुनना, जैसे क्या सर? क्वेश्चन नंबर 157 नंबर, पहले सबसे छोटका वाला करवाते हैं। टू होल थ्री बटा फोर प्लस, है ना, ठीक, प्लस कितना बाबू? थ्री होल टू बटा थ्री, इसको 156 कैसे आ गया? सर काउंटिंग भूल गए इसको, क्या? अच्छा ठीक है, इसको क्या करना, ऐड करना। क्या करना, ऐड करना, देखो कैसे ऐड करो, ठीक है ना? इसको क्या करना बाबू, ऐड करना, है ना? कैसे ऐड कीजिएगा भाई? भाई म्यूट करो बाबू, है ना? देखो कैसे करना। अरे गया, सो गई जी? नो सर, सर लिखना नहीं पहले समझना, है, म्यूट ब्लर आ करो रहा है। भाई। नहीं अच्छा ठीक है भाई, वो म्यूट करो, सर, बोला फोकस बैकग्राउंड। नहीं कर रहा है सर, हाँ सर फोकस अभी नहीं ठीक हो कर गया, रहा है। हो ठीक जाएगा ये वो, अच्छा हो जाएगा, फोकस म्यूट करो ना पहले आप लोग। देखो जी कैसे सॉल्व करना, शांति से सुनना। तो इसको पहले क्या करो, फ्रैक्शन में ब्रेक करो, और इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करो, और उसके बाद जैसे ऐड करने का प्रोसीजर बताए थे फ्रैक्शन वाला, उसी तरह से करना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ शांति, अभी लिखना नहीं है जी, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करोगे? इसको पहले ब्रेक करो, तो ये कितना है, टू है फोर है, तो क्या करोगे, फोर मल्टीप्लाई टू करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला जोड़ोगे। शांति से सुनना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाला जोड़ना है, ठीक? नीचे में फोर है, फोर लिख देना प्लस। आगे सुनो, शांति सुनो, लिखना नहीं है जी, ये सबसे आसान वाला एडिशन है। ये वाला समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कतें नहीं है। इसको भी ब्रेक करो, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करना, ऊपर में जो नंबर है उसको जोड़ देना, नीचे में नंबर थ्री है, थ्री लिख देना, ठीक? नेक्स्ट, है ना? इतना कर लिया तो अब हो गया, अब कुछ नहीं करना रहता, है ना? अब कुछ नहीं करना रहता। ये वाला जो बच्चा सीख गया, वो बच्चा सबसे पढ़ने में तेज रहेगा, सब दिन तेज हो जाएगा, ये आसान है चकाए। अब ये मल्टीप्लाई करोगे, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर टू जा एट प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री। नेक्स्ट, 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाई फोर, 9 प्लस 2 11 डिवाइडेड बाई थ्री। तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो इतना आएगा, है ना? ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, अब क्या करना है? ऐसन का एडिशन आपको बताए थे, अब ये जोड़े ना। निकालना है, अच्छा जितना अच्छा ठीक है, हल्ला हल्ला मत, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे जो डिनोमिनेटर में है, थ्री फोर है, थ्री फोर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका बताया था, सबसे बड़का नंबर पकड़ो और टेबल पढ़ो। थ्री फोर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बताइए किए थे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम है उसको नीचे लिखना है, ठीक? नेक्स्ट, म्यूट करो, किसका अनम्यूट रहता है जी? भाई भाई म्यूट करो बाबू। हेलो ठीक है, सॉरी नेक्स्ट सर। बाबू, नेक्स्ट बाबू, जो एलसीएम है उसको नीचे लिखना है। फोर है, फोर का टेबल पढ़ो, 12 कितने टाइम में, यहाँ पे जो टेबल पढ़ना है, फोर का टेबल पढ़ेंगे 12 कितने टाइम में, थ्री टाइम में। न्यूमरेटर में 11 है, 11 लिखो। थ्री का टेबल पढ़ो 12 कितने टाइम में, फोर टाइम में। न्यूमरेटर में 11 है, 11 लिखो। आगे इसको सोल्व करेंगे।
आगे इसको सोल्व करेंगे, 3 11 जा, 11 3 जा 33, है ना, 11 4 जा 44, डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट 33 प्लस 44 कितना होता है, 77 होगा, डिवाइडेड बाय 12। तो लिखो आप, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन, एगो दुगो और समझाते हैं। लिखिए बस बाबू जल्दी से लिखो, नहीं सर प्रशांत सारा बच्चा शांति से लिखे। कीजिए हाँ ना, सर स्क्रीन सेव कीजिए ना सर, नहीं दिख रहा प्रशांत। नहीं सर। अच्छी बात, तो इसमें हम लोग बाबू ऊपर हेडिंग है एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, लिखिए। सुरभि गायब है, अकर्ष गायब है, सुरभि सर उत्कर्ष यशदीप, ये सब बच्चा। सर उत्कर्ष अभी तिबारा चांस नहीं मिलेगा दुर्गा, थर्ड तिवारा क्या होता है? दोबारा टाइम बाबू दुर्गा को थर्ड टाइम पढ़ा रहे हैं। होता है ना वैसे तिबारा? हाँ मुझे हाँ फोर्थ बाबू, टाइम पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, आप लोग का एकदम कंठस्थ हो जाएगा। सर मेरा तो हो जाएगा सर, मेरा भी सर अभिनव मैं अभी तो गलत, कर सकता अच्छा हूँ ठीक, हल्ला मत कीजिए। कहाँ गया अभिनव? सर। अब हाँ जी, एलसीएम अच्छा नहीं आता एलसीएम बताएंगे सुबह में बताएंगे आपको, सुबह बुला किस लिए रहे हैं इसीलिए ना जी, प्रशांत है ठीक है सर। सुबह बुला रहे हैं इसीलिए ना बाबू। सर इसमें टेस्ट कब कब लेते हैं अरे एक सैटरडे को, सर? तो मैंने इसमें एग्जाम बाबू नहीं रहेगा सुबह में 6 6 बजे कौन बच्चा आ जाएगा? वैष्णवी आती है, निशा प्रशांत डोंट आता है, और कमजोर कौन है जी? मयंक बाबू आप भी 6 बजे आ जाइएगा। सर वैदी नहीं जी आपको जरूरत नहीं बाबू। थैंक यू सर, हम यही चाहते थे। अथर अथर हाँ हेलो, कर रही हूँ कल 9 बजे के आसपास में फोन। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखें। देखिए ना, बस हर बार आलोक का आलोक करता रहता है। आराम आएंगे नहीं बाहर खा जाएगा वैदी आपको जी, नहीं है, तो मैं आऊंगी नहीं शैतान सुबह जोर सिखाएंगे, जिसको आता है उसको दोबारा क्यों बुलाएंगे? जो कमजोर है जैसे मैं सौम्या। नेक्स्ट बाबू, देखिए। थैंक यू सर। अभी तो डीआईवाई देंगे ना नहीं जी अभी एक क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और समझाते हैं। अच्छा ये को बनाने लग देते हैं, यस लेकिन सर ऐसा यस अच्छा सर ठीक यस है, एक सर बनाने लग देते हैं। बनाओ तो अस्थिर से, एक क्वेश्चन देते बनाने के लिए, जल्दी सर लिखिए जल्दी बाबू। जल्दी मिटाइए जी, सबका हो गया। डन 158 8 नंबर, सर ऐसा ही वाला एक दीजिए। आईसी बना देते हैं, 2 होल 4/5। देखो तो बनता तो अच्छी बात है, 3 होल 4/ मान लो इतना हो जाएगा, 10 लिखेगा, 10 लिख लो, बनाइए तो बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर बताते हैं। बनाओ परी, सर 2 होल 4/5, 3 होल 4/10, 10 into 3 plus four जल्दी से बनाओ तो जी। प्रशांत बाबू कोशिश कीजिए प्रशांत बनाने का बाबू, सुनना अब लिखना नहीं है कुछ। मयंक बाबू, अर्णव बाबू और अंकुश नीरज, मन से पढ़ना है जी। कहाँ गया प्रशांत निशांत? चलो ठीक है प्रशांत निशांत बाबू, देखो four प्रशांत निशांत थोड़ा सा अभी अभी आप बाबू नया ना, प्रशांत निशांत आपको 6 महीने पहले आता तो तेज होल रहा था, इसलिए आपको सुबह में बुला रहे हैं। देखो कैसे करना है, देखो मेरा भी देख लीजिए। श्रेया अरे बाबू अभिनव तो शैतान, प्रशांत निशांत तो बोलते हैं दोनों भाई है, को प्रशांत है को निशांत है। देखो जी डेमोंस्ट्रेट कैसे करना, देखो श्रेया, तो हम अच्छा ठीक है, हल्ला हल्ला मत कीजिए। जानते इसको हैं इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेमोंस्ट्रेशन मल्टी नहीं
अल्लाह मत कीजिए। और ऊपर में क्या है, चार है, चार जोड़ देंगे, नीचे में फाइव है, फाइव कर देंगे, इस्तीफा। फाला ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 10 3 है तो 3 × 10 करेंगे, न्यूमरेटर में 4 है, 4 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नीचे 10 है, 10 लिखो। नेक्स्ट, जिसको गलत हुआ वो ये कर लेगा, है ना, मैच करेगा। 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10 होता है, +4 / 5, 3 10 जा कितना, 30, 3 10 जा 30 +4 / 10। नेक्स्ट, 10 + 4 कितना, 14, 10 11 12 13 14, कितना होगा, 14/5। 30 + 4 कितना, 30 रुपया, +4 रुपया कई रुपया, 34 रुपया, 34 रुपया / 10। अब इसके बाद एलसीएम लेना है, तो ऐसा वाला एडिशन ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं ना, इसको तोड़ के तोड़ के तोड़ के ऐसा मिलाना, और ऐसा वाला एडिशन शुरू में बताइए किए हैं, शुरू में बताया ना कैसे सोल्व करेंगे, है ना। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे किसका सर, बताएंगे नहीं, प्रशांत नहीं साथ, एलसीएम बाबू आपको सुबह में बताएंगे, 5 10 का, तो 5 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा, बड़का नंबर पकड़ो सर, 10, आ देखो 5 के टेबल में 10 आता है, हाँ सर, तो 10 है ना एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट, एलसीएम 10 हो जाएगा, हाँ सर। अब क्या करना, एक लाइन खींचना, क्या करना, एक लाइन खींचना, खींच लिए, 10 था 10 हो गया ठीक। 5 का टेबल पढ़ो, यहाँ पे जो नीचे में रहता है उसका टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 10 कितने टाइम में, 2 टाइम में, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 10 कितने, 5 का टेबल पढ़ना है 10 लाना है, तो 5 का टेबल पढ़ो 10 कितने, 2 टाइम में, तो 2 लिखना, मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर में जो नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 कितने टाइम में, 1 टाइम में, न्यूमरेटर में जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो ठीक। 2 4 जा कितना, 28, यही ना होता है, हाँ सर। 1 34 जा कितना, 34 डिवाइडेड बाई 10, 28 + 34 ऐड करोगे तो 62 हो जाएगा। ये सब बच्चा सब एलसीएम लेने में गलत किया, तो ये आंसर होगा श्रेया बाबू, अभिनव शैतान, और कौन कौन सर गलत मेरा दिया ऑलरेडी था, डन था सर। अन्य हाँ सर अन्या बाबू और आलोक शैतान, कहाँ गलती किया आलोक बबू, सर 61 ना होगा। नहीं ऐड करोगे तो बाबू 61 होगा जी, 28 + 34 नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, वैष्णवी, सर वहां पे चलिए मैंने गलती की होगा सर। वो तो 63 लिख अरे के समझे भूल गया। मयंक वो सौम्या शैतान सही बना दी बाबू, आप लोग तो शैतान दो तभी दुई है, कौन क्लास की हो सौम्या, सौम्या कौन क्लास में पढ़ती बबू, अभी बेचारी का म्यूट नहीं होता, हाँ कौन में, 454 क्यों लिख दिए? 459 मतलब होमवर्क है 159 है ना जी, सेकेंड में सौम्या सर, पढ़ दिया, फोर देखो दिख तो रहा है वन, सब 14 लग रहा है। सर बहुत आपको लगता सेकेंड में पढ़ती सौम्या, कल सुबह है 6 बजे उठ के आना है, समझे सौम्या, सौम्या सर, सर सर को भी आना है। नहीं अरे जी बुला रहा है क्या नहीं तू सर? सर मुझे भी आना है, सर जी, मुझे आज सौम्या आपको आना है, आना है, सर मुझे आना है सर को। नहीं जी आपको क्यों आओगे जी, ये सर बता देगा सर, 6 बजे वैसे भी हम कैसे करेंगे? मेरा तो 7:30 में स्कूल जाना है। अरे अच्छा शांत रहो जी, अथर्व अल्लाह खाली करता, को नहीं भी जाना है, 6 बजे मेरी बस किसी को नहीं आती आना है, है, स्कूल खुल जाता है। किसको भी नहीं जाना है, शांत रहे, हल्ला मत कीजिए,
अभी सर पाँच, सर 5-6 दे दीजिए। 5 दीजिए ना, सर चार 5 दीजिए। अच्छा सर अच्छा 4 देते हैं, 4 देते हैं, हल्ला नहीं करना, बस इतना ही। 4 देते, ज्यादा नहीं देते। तो सर 162 तक। तो एक तो आ दे दीजिए। ऐसे यस सर, टेंशन एक रहे, इतना नो सर, नो सर, नो बना सर, के इतना पिटेंगे ना सरनिया, बना के भेजती नहीं हो, वो खाली ये करती हो। डन सर। सर बाली आ रहा है, ब्लर आ रहा है या तब बलि को मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म है ना पढ़ना जी सर। स्टैटिक्स मैग्नेटिक है, वन मैग्नेटिक अरे मैग्नेटिज्म है, क्या और हम लोगों में वो हाउसहोल्ड जो होता है ना कर एक्टिविटी वो सब है।